खुद से कभी हारा नहीं मैं। तो ये दुनिया क्या घंटा आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। रिव्यू में जो आपने स्टेटस वीडियो देखा, अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लो, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा ट्यूटोरियल पे आऊंगा। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है, फाइल्स वगैरह को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर जाना है। आपको एक वीडियो मिलेगा, हाउ टू डाउनलोड XML फाइल या हाउ टू डाउनलोड अदर फाइल्स, ठीक है। उस वीडियो को पहले आप देख लो, उसके बाद आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। पहले उस वीडियो को देख लो, ठीक है। कमेंट करने से पहले एक बार वो वीडियो को देख लो। अगर वो वीडियो देखने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे पिन किया हुआ एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लो, ठीक है। हाउ टू डाउनलोड मटेरियल एक वीडियो होगा टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ, उस वीडियो को देख के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है, XML प्रीसेट हो जो भी एलाइट वर्जन में इंपोर्ट करना है कर लेना, और एलाइट वर्जन 5.0 अगर नहीं है तो इंपोर्ट नहीं होगा। तो एलाइट वर्जन 5.0 भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले एलाइट वर्जन ऐप को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसको आपको ऐप पे ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आप XML इंपोर्ट करोगे तो सॉन्ग डिलीट हो जाएगा, XML पे सॉन्ग नहीं रहता है। प्रीसेट इंपोर्ट करोगे तो प्रीसेट पे सॉन्ग रहेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, प्रीसेट आजकल ये जो एलाइट वर्जन है ना, इसमें डाउनलोड इंपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभी शो नहीं करता है। आपको 1-2 सेकंड वेट करना है, उसके बाद इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस, तो टेंशन मत लेना। उसके बाद आप देखते हो पे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ठीक है। ये जो ग्रुप 1 है, इस पे आपको लिरिक्स देखने को मिलेगा। एडिट ग्रुप पे जाना है। अगर आप लिरिक्स का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है, लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना, फॉन्ट्स पे जाना, जो भी आप फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहते हो कर लेना, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है, ठीक है। और जो ग्रुप 2 है, इसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल वगैरह ऐड है, अगर आप चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे जाना है, स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना, ऊपर से प्लस इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ताकि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है। ये जो ग्रुप है, इसको सिंपल से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाना है 5.16 सेकंड, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको इमेज का लेयर दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे जो इमेज है सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर जो प्लस इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना तक कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डबल बिटमार्क है, ठीक है। इस डबल बिटमार्क से नेक्स्ट डबल बिटमार्क जहाँ तक है, ये जो दो डबल बिटमार्क है, दो डबल बिटमार्क के बीच में ये जो लेयर्स है, लेयर्स पे जितना भी लेयर होगा सभी लेयर पे एक इमेज ऐड होगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट डबल बिटमार्क तक इसी इमेज को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा आने वाला जो नेक्स्ट लेयर होगा, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। मतलब आने वाला मतलब ये वाला आगे वाला, ठीक है, इसमें सेम प्रोसेस होगा। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो। अगर इस वीडियो में मैं एक ही बात बकता रहूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। तो बस एक दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो। बस इमेज को ऐड करना होगा, और इतना भी कुछ चैलेंजिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ एक कॉमेंट करना कैसा लगा। अगर आपको कुछ ओपिनियन देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका हर बात मैं सुनूंगा, देखूंगा, प्लीज़ कॉमेंट करना। इस तरीके से देख सकते हो, अभी जो नेक्स्ट बिटमार्क है ये देख सकते हो, नेक्स्ट डबल बिटमार्क है। इस डबल बिटमार्क से इमेज को चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट डबल बिटमार्क तक, ठीक है। तो जितना भी लेयर होगा सभी लेयर्स के अंदर आप जो भी इमेज ऐड करोगे सेम इमेज ऐड कर लेना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एक्सपोर्ट करना तो आपको आता है, ऊपर आपको राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना होगा, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।